वेलकम टू वन किचन व्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने आलू और बैंगन को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। एक कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम बैंगन को डीप फ्राई करने वाले हैं। लो टू मीडियम हीट पर हम बैंगन को डीप फ्राई करेंगे। सारे कटे हुए बैंगन हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई होने देंगे। जब तक बैंगन फ्राई हो रहे हैं, हम अलग से एक बोल में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शेंगदाने को रोस्ट करके उसका पाउडर कर लिया है, तो यहाँ हम 3 चम्मच शेंगदाने का पाउडर लेंगे, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट का बुरादा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर या हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अब यहाँ पे बैंगन फ्राई हो चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम आलू को भी निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हटा के सिर्फ हम तड़के जितना तेल रखेंगे तो इसमें हम डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, सारे मसाले जो हमने निकाले थे। हीट को एकदम लो फ्लेम पे रखें, अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टमाटर कटा हुआ डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और गार्लिक की कच्ची महक जाने तक इसे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और बैंगन, अच्छे से मिला लें एक बार। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। पानी आप जितना चाहे उतना ही ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। ध्यान रखिए शक्कर से मीठी नहीं होगी सब्ज़ी। ये सिर्फ सारे मसालों का टेस्ट बैलेंस करने के लिए हमने ऐड किया है। इसमें खटाई के लिए टमाटर भी है, इसलिए इसे अब हम ढककर 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हटाकर देखते हैं सब्जी कैसी दिख रही है। तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है इसमें से। सब्जी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसे पूरी, चपाती या चावल के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।